हमारा स्टार्ट हो चुका है, ये सेकंड व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि फर्स्ट व्लॉग बहुत लंबा हो गया था और इतना लंबा हम रखना नहीं चाहते, इसी वजह से। और सारी यादें इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे, फिर पता नहीं कब आए यहाँ पे, क्योंकि कब साल हो गए ना, साल हो गए, सोचिए दिखाने के। यहाँ पे एक साल हुआ, पिछले करवा चौथ पे आए थे, एक साल हो गए, फिर दोनों करवाना होता है, तो सारी चीजें इस कैमरे में रिकॉर्ड कर लेंगे ताकि हम हमेशा देख सके, है ना। है तो पास में लेकिन मौका नहीं मिल पाता है आने का, क्या कर सकते हैं। सो चलिए देखते हैं अभी क्या करना, फिर आप लोगों से जी हाँ थोड़ी देर। सो गाइस, अब हम आ गए हैं भाभी के किचन में। ये है भाभी की किचन और ये चढ़ गई है कढ़ाई और यहाँ पे सब्जी, गोभी की सब्जी बनने जा रही है। सो हमने कहा चलो आपको दिखा देते हैं, है ना। तुम करना छेलती है। हाँ आंसू, हम इसे आंसू क्या बोलते हैं, हम रोए है ना। आप ना रो, ऐसी जिठानी है, मतलब देवरानी रो ले और जिठानी ना रोए, मतलब देवरानी को रुला दोगे आप, जिठानी ना रोए, मतलब आप हंसो, हम रोए आप हंसो, है ना। हंसेंगे नहीं, दर्द सहेंगे। यार कैमरा फिक्स कहाँ करूँ, क्योंकि जगह वगह नहीं है, देखते हैं कहाँ कैमरा फिक्स कर पाते हैं। और ये टाइल भी है ना, तो मन ये डर लग रहा है कि फिसले ना, ट्राइपॉड तो लाए नहीं है। चलो जुगाड़ बन गया, थोड़ा सा इधर कर देते हैं, जुगाड़ू वाला काम हो गया, है ना। सो बस ये धुला प्याज, नहीं सब धुल लूंगी, प्याज पीसेंगे नहीं क्या, पीसना है, पीस लेते तो सही रहता ना, ग्रेवी अच्छी हो जाती थोड़ा सा, वाला पानी पानी ग्रेवी रहेगी, है ना। प्याज को पीस लो तो उसकी ग्रेवी जो है अच्छी वाली बन जाती है। और सबसे अच्छी बात भाभी की, यहाँ पे देखो खिचड़ी है, आज क्या क्या निकल रहा मुंह से मेरे, खिड़की में खिचड़ी बोल रहे खिड़की है हमारे यहाँ जगह नहीं है निकलने की, यार धुआं हुआ यहाँ से अच्छे से निकल जाएगा, नहीं जा रही है ना, एग्जॉस्ट भी लगा। हाँ अभी साफ नहीं, अभी भाभी जल्दी में आई है ना गांव से, करीबन 9 महीने ना, 9 महीने हो गए ना, 6-7 महीने, 7 महीने के बाद, तो अभी घर की क्लीनिंग उतनी अच्छे से हुई नहीं है। और आप सभी को पता है कि भाभी चलाते क्योंकि साफ नहीं तो कचरा निकलता है, और भाभी को चोट भी लगी थी, कमर में भी दिक्कत है जैसा आपको मैंने बताया है, इसीलिए इकट्ठे नहीं कर पाती, और अभी कोई है भी नहीं। मैं इनको बोल रही कि मेड रख लो लेकिन ये सुन नहीं रही, भैया का पैसा बचा रही है, नहीं यार ऐसा बात कुछ नहीं है, लेकिन ये नहीं सुन रही है, झाड़ू पोछे के लिए रख लेगी कि बैठने में प्रॉब्लम होती है और इन जिन लोग काम कर नहीं सकती है, उनको नहीं जान दो, हाथ पैर चलता रहता है इस तरह में मेरा, हाथ पैर चलाना है और का? किसके ऊपर नहीं यार, किसी के ऊपर नहीं, बॉक्सिंग करनी है भाभी को, आप लोग आ जाओ भाई, जैसे ये मुझे रुला दी अपना आराम से, आलू छील रही है, आलू के देखो लाइन लगाई, आलू की लाइन से ये लीजिए, इसको पीस लीजिए, पीस ले रही हूँ, नीचे से एक थाली ले लें, मैं सब आलू काटता हूँ। दीवानी जिठानी आज किचन में लगे इकट्ठे, आज भाभी बोली यही खा कर कर जाओ, और का सही बात, मुझे क्यों दे रही है, तो आपको पीस लेना है, ये मैं जोखा बना रही हूँ, वो रख दी है, ये तो है भाभी ना। हाँ जितना तीखा खाना हो बताना, तो काहे से कि जितना है, भाभी गांव की भाषा में बात करो ज्यादा अच्छा लगेगा, अच्छा गांव की मुझे उतनी भाषा आती नहीं है, भाभी को आती है, भाभी खाना हो तो आ जा हमारे घर में, ये हुई ना गांव वाली बात, आज माँ देवरानी बनेंगे हम खाइबे, आप लोग खाना हो तो आ जाओ, खाना आप लोग, खाना आप लोग का खाए खोए तो आ जाओ, अच्छा धीरे धीरे हम भी प्रैक्टिस कर ले रहे हैं, तुम लोग खाए कि नहीं ऐसे, हाँ नहीं खाए 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 खाना खाए कब भैया, पानी डाली तो इसने फिर नहीं, पानी क्यों डाली, पानी में डालिए, जीरा डाल दिए हम लोग और तेज डाला, आपके भैया जी का फोन आ रहा है, सो पहले इनका फोन रिसीव कर ले फिर बताते हैं। प्याज डाल दिया है यहाँ पर, प्याज
और जीरा बस। अब हम इसको ढाल के भूंज लेते हैं जब तक हमारा मसाला रेडी होता है। मसाला भाभी टमाटर पीस रही है, देखिए टमाटर है तो लगी हुई है मेरे साथ में। बाबू आप क्या खाओगे? तो गाइस हमारा ये देखिए मसाला पक चुका है और ये देखिए अब हम जा रहे हैं टमाटर का पेस्ट डालने, जो भाभी ने पेस्ट बना के दिया है। तो ये देखिए डाल दे रहे हैं और अब हम इसको थोड़ा सा भून लेंगे, पका लेंगे। सो गाइस यहाँ पे ये देखिए हम धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर और थोड़ा सा सब्जी मसाला डालेंगे। इन सबको डाल के अच्छे से भूंज लेंगे जब तक हमारा मसाला पकेगा नहीं, जब तक हम इसमें कुछ भी नहीं ऐड करेंगे। सो ये देखिए हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और अब हम इसमें गोभी आलू डाल के थोड़ी देर तक अच्छे से पका लेंगे। जब ये अच्छे से भून जाएगा ना तब हम इसमें डालेंगे क्या बोलते हैं उसको यार, अरे पानी। तो बस इस तरीके से ये देखिए अभी हम इसको भूंजेंगे खूब अच्छे से जब तक मम्मी लोग जा रही हैं। सो चलिए जब तक सब्जी थोड़ी सी भूंज रही है जब तक मम्मी लोग उसे बाय बाय बोल रही हैं। चलो अच्छा अब एक पट्टा छू रहा है घसीट तो ले ना ले 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 भाभी विदा हो रही है, रो रही है, आपको नहीं पता क्या फिर से विदाई हो रही है। गाइस मम्मी जा रही हैं अब नेहा के यहाँ यानी कि नंद जी के यहाँ और यहाँ पे गले वाले लग रही हैं। तो यहाँ पर भाभी मजाक कर रही थी, कह रही थी ऐसी विदाई ऐसी कुछ मजाक की थी। तो शायद ही आप लोगों ने इतनी मस्ती भरी विदाई सासू माँ की देखी होगी, बहुत ही ज़्यादा हम लोगों ने इंजॉय किया। सो चलिए मम्मी को बाहर तक छोड़ आ। ये भी जा रही है मम्मी लोग सब लोग जा रहे हैं, लोग जा रही हैं, मम्मी लोग जा रही हैं ये देखिए। और अभी हम जाएंगे बाद में, अभी हम रहेंगे यहीं पर, जा रही हैं नंद के यहाँ, मम्मी आज वहीं रात में रहेंगी। बस सो बस। सो गाइस मम्मी लोग चली गई हैं और यहाँ पर ये देखिए रिमझिम खड़ी थी। सो यही वाला जो ब्लैक कलर का गेट है यही भाभी का घर है। सो चलिए अब हम चलते हैं और काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय किया हम लोगों ने। विदाई तो आप लोगों ने देखी कैसे रो रो के भाभी ने सबकी विदाई की है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। सो अब मैं जा रही हूँ अंदर और आप लोग भी चलिए मेरे साथ। यहाँ पे देखिए सब्जी हमारी भून रही है और भाभी सुना रही थी अपनी शादी की लव स्टोरी कि क्या था शुरू का रिएक्शन है ना भाभी। और ये आ चुके हैं आपके भैया जी, ये देखो चाय चढ़ी है भैया जी के लिए। तो सब्जी हम भून लेते हैं अच्छे से, फिर इसमें हम पानी डालेंगे। और भाभी तब से बार बार लेके बार घिसे पड़ी हैं इतनी देर से, कहीं घुस बिछू के कोई गिर ना जाए, एक बार गिर चुके कहीं इसी चक्कर में तो आए हम देखने, गिर चुकी है ना। ये बंद क्यों नहीं कर रही हैं? फिर कौन बार बार खुली गंदा है, सफा है बाद में ये इससे ऐसे। सो बस वही कर रहे थे, हमने कहा चलो आप लोगों को दिखा दे। चाय भी चढ़ी हुई है, सब्जी भी भूज रही है, ये भी आ चुके हैं लेने के लिए बालम जी है ना। फिर से एक बार आज भाभी का खूब धमाकेदार डांस देखते वो मिल रहा भाई, स्टेप बाय स्टेप वो भी अपने सॉन्ग के साथ है ना। क्यों किचन में इतनी देर से इधर से उधर यही डांस करती और कहीं नहीं जाती? हाँ उनके सामने, उनके सामने ना पट नहीं बने। हाँ ये देखो फिर देखो
अरे आप जानते हो तो अगर पार्क में फिसल गया गिर जाऊं तो फिर एक हड्डी टूटे एक बार तो इसे परेशान हूं। परेशान हो चुकी है ना तो तिरंगा वाइपर चालू है। अरे पानी ना रहे और हम भूज रहे हैं सब्जी। हम लोग सब्जी अच्छे से भून जाए इसका पानी मर जाए। चाय ले जाओ पापा को और चाचा को। फिर हम इसमें पानी डालें क्योंकि जो इसका पानी होता है ना गोभी वोभी का वो जब खत्म हो जाता है ना तो टेस्ट अच्छा आता है। ये देखो कौन आया मामा क्या होगा सो हमारी सब्जी भूंज रही थी तब तक आपके भैया जी पढ़ा रहे हैं दे रहे पानी पधार रहे हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे हाँ और डालो ये देखो हम डालते हैं हमारी सब्जी में पानी तो बस इसको पकाना है थोड़ी देर। ये देखो डालो बता रहे हैं एक मिनट और डालो। सो गाइस पूरी हमारी सब्जी हमारी बन गई है और अब बता रहे हैं ये देखो पूरी बेलने के लिए हाँ बोल है ना तो बस पूरी बेलने जा रही है थाली रिंकू भी आ रही है भाभी निकालें जाइए भाभी निकालेंगे तुम बताना ठीक है ना दिमाग से करना। भाभी पूरी निकालेंगे और हम बेलेंगे परथन। सो भाभी पूरी निकालेंगे और हम बेलेंगे हमारा यही काम है भाभी का तलने का काम है। लाइट बहुत धीमी धीमी वाली लगाई है भाभी हर जगह। ये रहा परथन झूठा रहता ना तो कहाँ रखूं ये देखो झूठा नहीं इनको मतलब कोई भी चीज मसाले झूठे हाथ से नहीं छूती है। सफाई का बहुत ध्यान रखते हैं और जैसे हम लोग बनाते हैं ना कि सब्जी छौक रहे हैं सामान उठा लिए मसाला डाल दिए वैसे इनके साथ बिल्कुल भी नहीं है सब अलग अलग में। अरे वो बड़ी बड़ी बनाओ और बड़ी बड़ी बनाओ इतनी और बड़ी थोड़ी बनाओ रोटी बनवा रही है देखो गाँव वाली पूरी गाँव वाली पूरी जिसको खाना है भाई आ जाओ काट के बनाओ। अरे बाप रे हाँ आखिर हम रहे सीख जाएंगे सब है ना हाँ गरी मांतर मांतर हाँ तो बड़ा छोटी छोटी घर में खाने के लिए है। सो चलिए फटाफट से पूरी बना लेते हैं फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं क्योंकि क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही है ब्लर ब्लर दिख रहा है धुआं भर गया। खाना पीना बन चुका है और अब हम निकलने वाले हैं। सो हमने कहा आप लोगों को बता दें फिर टाइम मिले कि ना मिले निकलने के लिए। सो चलिए चलते हैं बाबू को रेडी कर दिए हैं और रिमझिम बिटिया से बाय बोल दीजिए भाई जा रहे हैं हम लोग। मैंने कहा आपको बता दे क्या दिखाओगे मैंने वीडियो बना रखा था क्या करूँगी आप चलिए निकलते हैं थोड़ी देर में फिर मिलते हैं आप लोगों से ठीक है। सो गाइस जस्ट अभी हम घर आ गए हैं और हमने कहा इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं। आज बहुत ही गर्मी हो रखी है बाबू ने भी ड्रेस उतार दी है ना क्यों ड्रेस उतार हट। सो बस अभी घर आए हैं तो हमने कहा चलो आप लोगों को बता देते हैं और अभी सब कुछ मैसी हुआ पड़ा हुआ है। भाभी ने जो टिफिन दी थी वो देखिए वो रखी हुई है और अभी हम ले जाएंगे अंदर। बस मैंने जैसे ही जैकेट निकाली है वैसे ही बात करने लगी क्योंकि आज ये गए थे बाइक से लेने और मुझे लगा था बाइक से बहुत ठंड लगेगी तो मैंने स्कार्फ लगा लिया मुंह फेस कवर वाला जो स्कार्फ आता है ना वो स्कार्फ आता है वो लेकिन उसको लगाने के बाद सच बताऊँ इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी फिर मैंने निकाल दिए। ग्लव्स भी मैंने लगाई थी वो भी मैंने निकाल दी। अब हम चलते हैं थोड़ा सा साफ सफाई करेंगे ज़्यादा नहीं क्योंकि सुबह से थकावट बहुत लगी है और अभी हम दिखाते हैं भाभी ने क्या दिया है खाने में हमें। सो तब तक हम चेंज कर लेते फिर दिखाएंगे ठीक है। सो ये देखिए बाबू ने दिया है पूड़ी चावल गोभी आलू की सब्जी और अब हम जा रहे हैं डिनर करने। सो आप लोग भी आ जाइए और इस ब्लॉग का एंड यहीं पे कर देती हूँ। कल मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाय गुड नाइट।